कैसी लग रही है, इसका साउंड आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किए थे जबरदस्त कर लिया है, अब बारी है इसको अप्लाई करने की। इनको इंस्टॉल कैसे करना है? लोगो हमने अप्लाई कर दिया और ये फुल कितनी ज्यादा रोशनी इससे हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नवीद अहमद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वायरिंग का थोड़ा काम था जिसके लिए इलेक्ट्रिशियन भाई के पास आए हैं। पार्किंग लाइट मेरे ख्लास की साइड की, उसको भी चेंज करवाना है। इस बार कलर भी चेंज करवाएंगे, पहले येलो कलर था वो भी चेंज करेंगे। ये रही जी हमारी न्यू लाइट। अल्हम्दुलिल्लाह जी लाइट हमारी चेंज हो चुकी है, ब्लू कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सब भाई बताएं कि लाइट कैसी लग रही है। और बैक लाइट का बल्ब भी चेंज करवा रहे हैं, ये थोड़ा ख़राब हुआ हुआ था। इलेक्ट्रिशियन भाई से सारा काम करवा लिया जो करवाना था, अब बारी है इस मेहरू की सर्विस की। चलते हैं मेहरू की सर्विस कराते हैं। हालत इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें होती रही हैं, तो इसकी सर्विस जो है अवॉइड ही करते रहे कि भाई ना करवाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है, गाड़ी बार बार गंदी हो रही थी। अब मौसम ज़रा बेहतर हुआ हुआ है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बेहतर यही है कि आज इसकी सर्विस कराई जाए। चलते हैं सर्विस स्टेशन और फिर इसकी सर्विस करवाते हैं। जी सर्विस स्टेशन आ चुके हैं। काफ़ी दिनों के बाद मेहरू सर्विस के लिए आ चुकी है। इंशाल्लाह आज कंप्लीट सर्विस कराएंगे, इंजन भी अच्छी तरीके से वॉश कराएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी पे फॉर्म भाई ने अप्लाई कर दी है। अब अच्छे तरीके से वॉश होने के बाद हमारी मेहरू पहले की तरह शाइन करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेहरू की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और भाई जो हैं गाड़ी को रिवर्स लेके आ रहे हैं। और जो हमने डीजल लगाई थी उसका साउंड आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी दिनों के बाद सर्विस कराई है कि मौसम आज अच्छा है, तो सर्विस कंप्लीट हुई है और ऊपर मौसम आप देख सकते हैं फिर से काले बादल छा चुके हैं, फिर से गाड़ी गंदी होने वाली है। अब बस ये है कि बारिश ना से पहले पहले हम अपनी जगह पे पहुंच जाएं तो गाड़ी बच जाएगी, लेकिन उम्मीद नहीं है। जैसे कि कल हमने अपनी मेहरू की सर्विस कराई थी और सर्विस हमने करवाई जैसे ही और बारिश फिर से हो गई, जो हम काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रहे थे बारिशों की वजह से इसकी सर्विस को, और सर्विस कल ही करवाई है और कल ही बारिश होगी। चले खैर ये तो चलता रहेगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी मेहरू के लिए लाया हूँ, उनको अपनी मेहरू पे अप्लाई करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। जी ये रही अपनी मेहरू, और मेहरू के बोनट पे पड़े हैं हमारे प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किए थे और कुछ बाज़ार से परचेज़ किए थे। ये रहा हमारा नॉन स्लिप पैडल, और ये रहे हमारे मेहरू का स्टिकर। ये की चेन लाइट है, बहुत मज़े की लाइट है, इसको भी आपको दिखाते हैं और रात का आपका डेमो भी चेक करवाएंगे। ये व्हील कप हमने लिए थे, ये इसके एयर अलर्ट कप हैं, ये भी लगा के दिखाते हैं। ये जैसे कि कप होल्डर, और ये मेहरू का लोगो जो पिछली वीडियोस में आपसे शेयर किया था यहाँ पे लगेगा, ये वाला पता नहीं कहाँ गया, अभी हम न्यू लगाएंगे। और साथ में हमने ली है ये सिलिकॉन। चलें ये चीज़ें आपने देख ली, इन चीज़ों को मैं अप्लाई करता हूँ और अप्लाई करने की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते हैं। लगने के बाद देखते हैं इनकी लुक कैसे आती है और मेहरू की लुक में क्या चार चांद लगते हैं। जी ये रहा कप होल्डर, जिसको एसी के ग्रिल के साथ हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर दिया। और पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा कामयाबी के साथ लग चुका है, और ये देखने के बाद कैसा लग रहा है, लुक तो अच्छी आ रही है इसकी, आराम से इस पर चीज़ रखी जा सकती है और तंग भी नहीं होगा। और अगर डोर बंद करें, ओके ज़बरदस्त आ आती है इनके अप्लाई करने के। इनको हम अप्लाई करेंगे अपनी इस टायर की नोज़ल में, इनसे जो है एयर का प्रेशर वगैरह कंट्रोल होगा। चलें इसको भी अप्लाई करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे लगने के बाद ये कैसे लगते हैं। ओपन कर लिया है, अब बारी है इसको अप्लाई करने की। अल्हम्दुलिल्लाह चारों व्हील पर हमने नोज़ल अप्लाई कर दी है, और ये काफ़ी यूज़फुल होगी मेरे लिए, क्योंकि आप स्क्रीन पर चारों टायर्स की नोज़ल देख रहे हैं, और जिस पे फ्रंट व्हील की जो ये नोज़ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे एयर कम है और बाकी एयर प्रेशर भी जो है आपके सामने है। ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी, जिससे पहले ही पता चल जाएगा कौन से टायर पे जो है हवा कम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये ज़बरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब बारी है इन पैडल्स की, इनको अप्लाई करते हैं अनबॉक्सिंग करने के बाद, और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लगते हैं। बहुत ही आसान है लगाना, और लगने के बाद क्या इनकी लुक निकलती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं।
चले जी इनको अप्लाई करते हैं। जैसे कि जी पैडल अपनी जगह पर आ चुके हैं, तरतीब उनकी लगा दी है, अब इनको लगाते हैं। पैडल के इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है उसको मैंने फास्ट कर दिया है, क्योंकि इनको लगाने पे कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे। तो अब आप ये फास्ट वीडियो पे देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया होगा इनको इंस्टॉल कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पैडल इंस्टॉल हो चुके हैं, देखने के बाद इनकी लुक बहुत ज़बरदस्त हो गई है। आप देखने वाले भी सब बताइएगा कि अब जो लुक है पैडल्स की कैसी है। पहली लुक भी आपने देखी थी, अब आप लुक देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी हमारा काम ज़बरदस्त हो गया। अब बारी है हमारे इन व्हील कप को इंस्टॉल करने की। हमारे व्हील पे जो कप हैं पहले के जो हैं रिमूव हो चुके हैं, अब हम ये नए वाले लगाएंगे। इनको अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कैसे लगते हैं। जी व्हील कप ओपन कर लिया, अब इसको लगाते हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह व्हील कैप जी लग चुका है। इसी तरह बाकी भी लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आपको चारों व्हील नज़र आ रहे होंगे और उन पर लगे व्हील कप बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अब बारी है इन स्ट्रीकर को अप्लाई करने की। और ये सुजुकी का जो लोगो है यहाँ पे लगेगा, ये पहले जो है सिलिकॉन इसको रिमूव करेंगे अच्छी तरह हीट गन से, और हीट गन के साथ हम ये भी लगाएंगे ताकि प्रोफेशनल तरीके से लग जाए। हीट गन से इनकी मजबूती काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी पहले भी जो गाड़ी पे स्टिकर लगाए हैं, एक ये वाला स्टिकर लगाया था और एक ये वाला स्टिकर लगाया था। कितनी दफ़ा गाड़ी वॉश कर चुका हूँ, ये ज़रा से भी अपनी जगह से नहीं हिले। मैंने जब पहले कुछ स्टिकर बाहर से अप्लाई करवाए थे तो भाइयों को हीट गन का अप्लाई करते हुए देखा था। हमारे पास हीट गन तो नहीं है लेकिन हम ड्राई का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने पहले भी ड्राई के साथ लगाए थे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। अब इन स्टिकरों को भी जो है मैं बैक पे जो लगने थे सुजुकी के मेहरान के वो लगाएंगे हीट ड्राई की मदद से, वो अच्छी मजबूती से लगेंगे। और आप भी कभी कोई स्टिकर अप्लाई करें तो ड्राई से ही हीट दे लें, अगर हीट गन नहीं है। बहुत ज़बरदस्त स्टिकर को की पकड़ होती है और ये इतनी जल्दी उतरते भी नहीं है जी। जैसे कि आपको बताया था ड्राई हमने ले ली है, अब इस ड्राई की मदद से पहले हम जो पुराने लोगों की ये जो लोगो था इसकी सिलिकॉन को उतारेंगे हीट से। हीट के लगने से ये नरम हो जाएगी और आसानी से उतर जाएगी। इसको उतारते हैं और फिर लोगो अप्लाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ड्राई से हीट देख के अपना काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है सिलिकॉन उतरती जा रही है। जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी सिलिकॉन नरम होती जाएगी और आप इजीली अपने हाथ से ही उसे उतार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी सिलिकॉन उतर चुकी है, अब हम अपना लोगो अप्लाई करते हैं जी। इस पर डबल टेप लगी हुई है, हम थोड़ी सी सिलिकॉन भी इसके साथ लगा लेंगे जैसे कि पहले लगी हुई थी, और इससे मजबूती अब प्रॉपर अच्छी हो जाएगी। डबल टेप भी लगी हुई है और यहाँ पे हम ये भी लगाएंगे। चलें लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। लोगो पे पहले से लगी टेप को हीट से नरम कर लेंगे, उसके बाद इस पे अच्छे से सिलिकॉन लगाएंगे। सिलिकॉन अच्छे से लगाएंगे और उसके बाद इसको इसकी जगह पर लगा देंगे। लगाने के बाद हम अच्छे से सफाई करेंगे, अगर कहीं से भी सिलिकॉन आ जाए फिर इसको लगाने के बाद वेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी लोगो हमने अप्लाई कर दिया और सिलिकॉन अच्छी तरह लगा के ऊपर टेप लगा दी है, क्योंकि सिलिकॉन को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसीलिए टेप लगा ली है। अगर मौसम बारिश का बन भी जाए तो हमारी सिलिकॉन को कोई मसला नहीं होगा। अभी इसको सूखने का टाइम देते हैं और फिर जब ये सूख जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। अब बारी है हमारे स्टिकरों को अप्लाई करने की। जी ड्राई हमारी यहीं तक आएगी, इससे आगे जाएगी नहीं क्योंकि वायर छोटी है, तो इसलिए हम गाड़ी को जो है बाहर निकाल के रिवर्स करके लगाएंगे और फिर जो है हम ये स्टिकर अप्लाई करेंगे। जी मेहरू अपनी रिवर्स कर ली है, अब इस पर स्टिकर अप्लाई करते हैं। स्टिकर लगाने के बाद ड्राई से हीट देंगे और कपड़े के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता पंच करेंगे। डायरेक्ट हाथ ना लगाइएगा क्योंकि बॉडी जो है ड्राई से गर्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोनों स्टिकर अप्लाई हो चुके हैं और सारी चीज़ें लग चुकी हैं जो जो भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई थी। अब रहेगी सिर्फ एक ये चीज़, ये है लाइट। इसका डेमो आपको अंधेरा होता है तब मैं आपको इसका डेमो भी दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ जी, ये है लाइट, वो बड़ी ज़बरदस्त लाइट है। अभी रात को आपकी इसकी लाइट भी दिखाएंगे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इजीली गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी आ सकती है, कीरिंग पे भी लगा सकते हैं और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अंधेरा होता है, इसकी लाइट की थ्रो भी आपको दिखाते हैं। और जैसे कि इसके बॉक्स में से एक ये वायर मिली है और ये इसकी मैनुअल है और ये चार्जेबल है, इसको जब चाहें किसी चीज़ से भी चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक से भी, चार्जर के साथ भी, और जैसे कि मैंने बताया कहीं पर भी लगा सकते हैं। और रात होती है तो इसका आपको डेमो चेक करवाते हैं।
और ये हमारी प्रिंसेस आ रही है। प्रिंसेस क्या कर रही थी? माशाल्लाह। वो क्या है जी बेटा? ये लाइट है। हाँ। अच्छी है बेटा। कैसे चलती है? कैसे चलती है? ये साइड पे बटन है बेटा, ये देखो ना, ये बटन है, ये बटन दबाओ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओके बेटा, चलो पापा को दोगी के पास रखोगी? पास। ओके जी, आप रखो जी। अंधेरा होता है तो आपको इसका डेमो चेक कराते हैं। दिन में तो आपने लाइट का डेमो चेक कर लिया। जैसे कि रात हो चुकी है और बारी है हमारे फाइनल प्रोडक्ट की, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और आपको मैंने पहले बताया था। रात होगी तो इसकी लाइट का आपको लाइट डेमो दूंगा। अब आपको ये लाइट चला के दिखाता हूँ। जैसे कि इस वक्त मैं मेहरू के पास खड़ा हूँ और आपको ये नज़र नहीं आ रही। अब मैं लाइट ऑन करूँगा, ये देखें जी, ये रहा इस लाइट का डेमो। कितनी ज़बरदस्त लाइट है, ये आप देख सकते हैं कितनी रोशनी है इसकी। इसके तीन मोड हैं, एक मोड ये लो लाइट हो गई और ये फ्लैशर हो गया और ये ऑफ और ये फुल। जैसे कि रात का टाइम हो और लाइट की ज़रूरत पड़ जाए, और ये देखें आप, टॉर्च आपको नज़र आ सकती है और कितनी ज़्यादा रोशनी इससे हो जाती है, ये देख सकते हैं आप। इससे रात के टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आराम से इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नेट की वजह से कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर रात के वक्त कहीं पे भी टायर पंचर हो जाए तो इस लाइट से रोशनी करके आप आराम से इजीली अपने टायर को चेंज कर सकते हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं लाइट बड़े आराम से एडजस्ट हो चुकी है। इसी लाइट से आप रात के टाइम व्लॉगिंग भी ईजिली कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी रोशनी है इसकी, और सुबह से आज वीडियो बना रहे हैं, रात हो चुकी है। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और नए आने वाले भाइयों से गुजारिश है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। भाई को दुआओं पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।